सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू ऑटो एडवाइस। दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि होंडा सिटी का नया मॉडल थाईलैंड में लॉन्च हो चुका है और जो इंडिया में 2020 तक कम्प्लीटली आ जाएगा। तो अब देखते हैं पुरानी वाली होंडा सिटी से ये कितनी अलग है और इसमें हमें क्या खास देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस डिटेल्ड वीडियो को देखिएगा जिसमें आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी नई होंडा सिटी के बारे में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे एक्सटीरियर को। फ्रंट ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर नई होंडा सिटी की ग्रिल बिल्कुल नए डिजाइन की है। और वहीं अगर मैं हेडलाइट की बात करूँ तो नई होंडा सिटी में आपको एलईडी का भी ऑप्शन मिल जाता है। और टायर्स की शेप की बात करें तो यहाँ पर नई होंडा सिटी की टायर की शेप में थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए हैं, हालांकि देखने से उतने ज्यादा डिफरेंट ये नहीं लग रहे। गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर नई होंडा सिटी की लेंथ थोड़ी इंक्रीज कर दी गई है, जिससे गाड़ी के अंदर आपको काफी अच्छा स्पेस देखने को मिलेगा। फॉग लाइट की बात करें तो यहाँ पर फॉग लाइट को बिल्कुल नए तरीके से डिजाइन किया गया है नई होंडा सिटी के लिए, जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। बूट स्पेस की बात करें तो नई होंडा सिटी का लेंथ इंक्रीज होने से इस गाड़ी में आपको बूट स्पेस भी थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। हालांकि एग्जैक्ट फिगर अभी अवेलेबल नहीं है, बट हम अज्यूम कर सकते हैं कि नई होंडा सिटी में हमें थोड़ा सा बड़ा बूट स्पेस देखने को मिलेगा। डोर हैंडल्स की बात करें तो नई होंडा सिटी में भी आपको क्रोम डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। रेयर लुक की बात करें तो यहाँ पर पुरानी वाली होंडा सिटी में आपको वर्टिकल रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते थे, वहीं नई वाली होंडा सिटी में आपको हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे पीछे की साइड पे। वहीं गाड़ी की टेल लाइट की बात करें तो यहाँ पर नई वाली होंडा सिटी की टेल लाइट साइड से थोड़ी सी ब्रॉड हो गई है, जिससे गाड़ी को साइड से देखने पे भी आपको टेल लाइट इजिली दिख जाएगी। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, बात करते हैं इंटीरियर की। तो गाड़ी के अंदर आपको बिल्कुल नया इंटीरियर देखने को मिलेगा। वहीं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करें तो वो भी काफी नए डिजाइन के हैं। पुरानी वाली होंडा सिटी में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे राउंड शेप में आपको बटन्स मिलते थे स्टीयरिंग पे, वहीं नई वाली होंडा सिटी में आपको काफी यूनिक डिजाइन में बटन्स मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको बिल्कुल नए डिजाइन का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, साथ ही साथ बीच में आपको एक एमआईडी डिस्प्ले भी मिल जाती है। टच स्क्रीन की बात करें तो नई वाली होंडा सिटी में आपको काफी बड़ी टच स्क्रीन देखने को मिलती है, जिसमें आपको काफी अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं। अब गाड़ी के इंटीरियर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लेंथ और विड्थ थोड़ी सी बढ़ गई है गाड़ी की, जिसकी वजह से नई वाली होंडा सिटी में आपको काफी अच्छा रेयर स्पेस देखने को मिलेगा। वहीं इस गाड़ी में आपको 3 हेडरेस्ट भी रेयर में देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपकी जर्नी काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने वाली है। वहीं फ्रंट सीट की बात करें तो फ्रंट सीट में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, हालांकि आपको कुशनिंग पहले से काफी बेटर देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। तो यहाँ पर लेंथ और विड्थ में नई वाली होंडा सिटी काफी ज्यादा बड़ी हो गई है पुरानी वाली होंडा सिटी से। वहीं हाइट की बात करें तो इसमें हाइट में थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट फिगर डिस्प्ले हो रहे हैं। वहीं व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस भी नई वाली होंडा सिटी का कम हो गया है पुरानी वाली होंडा सिटी से। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो दोनों ही गाड़ियों का बिल्कुल सेम है। अब बात कर लेते हैं इंजन की। तो यहाँ पर होंडा सिटी में सेम वही इंजन आएंगे जो पुरानी वाली होंडा सिटी में थे, पेट्रोल का और डीजल का। साथ ही साथ होंडा सिटी आरएस एक नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको 1000 सीसी का टर्बो इंजन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा। 123 पीएस की पावर जनरेट करता है ये और 173 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी ये देता है। साथ ही साथ आपको 21 केएमपीएल की माइलेज मिलेगी इस टर्बो इंजन से। बाकी का पेट्रोल इंजन पुराने वाली गाड़ी के जैसा बिल्कुल सेम ही है। वहीं डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन भी पुरानी वाली होंडा सिटी के जैसा ही है, हालांकि कंपनी ने इसे थोड़ा बहुत ट्यून जरूर किया होगा। जब ये एग्जैक्ट इंडिया में आएगा तब देखते हैं इसमें क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस की। तो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले कर दिया है, आप पढ़ सकते हैं किस वेरिएंट में का क्या प्राइस है पुराने वाली होंडा सिटी का। नई वाली होंडा सिटी अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, तो उसकी स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दी क्योंकि वो थाईलैंड में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, बट इसका प्राइस इंडिया में क्या होता है ये हमें नहीं पता। अभी जब लॉन्च होगा तब आपको डेफिनेटली इसके प्राइस के बारे में अवेयर कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लिख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट लगाइए और गाड़ी हमेशा ध्यान से चलाइए।